कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, जिसमें आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप कोई मंत्र सिद्धि किए हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से, और आपने कई बार साधना की है लेकिन वह मंत्र आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलता है, तो ऐसे में आप कौन सा विधान इस्तेमाल करें कि आपका मंत्र आपकी इच्छा के अनुसार चले। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो कि आप किसी भी साधना को करने से पहले आप उस मंत्र का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वह साधना हर हाल में सफल होगी। अगर आप कोई प्रयोग करते हैं तो आप उस प्रयोग करने से पहले आप उस मंत्र का प्रयोग करेंगे, एक माला। और अगर आप किसी शत्रु पक्ष के द्वारा बार बार कोई आपका आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है और आप उसको जवाब देने में असमर्थ हैं, आपकी उतनी पावर नहीं है, आप उस लेवल के नहीं हैं कि आप उसको मुँह तोड़ जवाब दे सकें, तो ऐसे में आपका जो मंत्र पावर है उसको सुरक्षा के लिए, मैं मंत्र पावर की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, जो आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है उस मंत्र पावर की सुरक्षा के लिए, कि आप अगर कोई मंत्र का प्रयोग करते हैं और सामने वाला उस मंत्र को छेड़ कर देता है, उसकी एनर्जी को नष्ट कर देता है या कैद कर लेता है, तो ऐसे में आपके जो मंत्र की जो एनर्जी है उसकी सुरक्षा के लिए मैं आपको एक ऐसा महाकाली के जो खड़ंग है उसका मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। जो आप इस मंत्र को आप पहले प्रयोग करते हैं, कोई भी मंत्र चलाने से पहले अगर आप उसका पहले प्रयोग करते हैं तो आपका मंत्र की जो एनर्जी है वह छेड़ नहीं होगी, सामने वाला उस एनर्जी को नष्ट नहीं कर पाएगा, कैद नहीं कर पाएगा, ना ही उस आपके मंत्र शक्ति को वापस कर पाएगा। और जब कोई मंत्र शक्ति आपके ऊपर पुनः वापस होती है तो वह आपका भी अहित करती है, इस बात का शायद आपको अंदाज़ा होगा, जानकारी होगी, तो आपका मंत्र सुरक्षित रहे, आपकी एनर्जी वापस आकर के आपका हित ना कर सके। इसलिए मैं आपको एक खड़ंग मंत्र बता रहा हूँ, जो महाकाली के जो खड़ंग होता है उसका जो मंत्र होता है वो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप उस मंत्र को नोट कर लीजिए और मैं विधान भी उसका मैं सिद्ध करने का बताऊँगा। तो मंत्र इस प्रकार है, क्रोधो सो भगवान स्वाहा। आप इस मंत्र को आप सिद्ध करने के लिए आप विधान नोट कर लीजिए, आपको होली पे, दिवाली पे या किसी शुभ अवसर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अमावस की रात को आप महाकाली देवी के आप प्रतिमा रखेंगे, सामने घी का चिराग, धूप बत्ती आदि से पूजन करेंगे। उसके बाद आपको 11 माला मंत्र जाप करना है, यह मंत्र मात्र 11 माला में ही सिद्ध हो जाएगा। और आप इस मंत्र को 11 माला पूर्ण करने के बाद आप जो है एक माला की हवन आहुति करेंगे। हवन आहुति में आपकी हवन सामग्री देसी घी, जौ, तिल आदि का प्रयोग करना है आपको। इसके बाद आप देखेंगे कि आप जब भी कोई भी प्रयोग करेंगे उस प्रयोग को करने से पहले अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग आपका विफल नहीं जाएगा, आपकी इच्छा अनुसार चलेगा, ना ही उस प्रयोग को कोई वापस कर पाएगा। यह है जो मंत्र है, ये है मंत्रों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आपने अभी तक सुना होगा कि अपनी सुरक्षा के लिए साबर मंत्र होते हैं या वैदिक मंत्र होते हैं या कवच होते हैं, लेकिन यह जो है मंत्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच है ये। आप इसका प्रयोग कीजिए और अपने आप को लाभान्वित कीजिए। नमस्कार दोस्तों।